हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अब हाल ही में आसूस कंपनी ने अपनी जेनफोन 11 सीरीज को लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों, अब आसूस कंपनी अपनी जेनफोन 11 सीरीज के अंदर अपना एक और नया स्मार्टफोन आसूस जेनफोन 11 अल्ट्रा लेकर आ रही है, जो कि कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों, अब इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से पहले ही इस स्मार्टफोन की लगभग सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और स्मार्टफोन की कुछ ऑफिशियली फोटो सामने आई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी आसूस कंपनी के फैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन आसूस ROG 8 स्मार्टफोन की तरह ही होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको अब की बार अलग टाइप का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको अब की बार ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको दो कैमरा सेंसर छोटे साइज के और एक कैमरा बड़े साइज का देखने को मिलेगा। और इसके फर्स्ट कैमरा के नीचे ही आपको एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेंटर पंचोल कट आउट वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यह स्मार्टफोन फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहेगा। स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको अब की बार कंपनी 6.78 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आएगी। तो दोस्तों, अब की बार स्मार्टफोन में आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है। आप सभी को पता होगा कि आसूस कंपनी की जेन सीरीज के स्मार्टफोन में आपको इतनी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों अब की बार इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराएगी, जिससे दोस्तों आप इस स्मार्टफोन से बढ़िया वीडियो आदि को देख सकते हैं। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 ही मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको अब की बार कंपनी कैमरा सेंसर के ऊपर भी काफी जोर देने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको इसका मेन कैमरा सोनी के IMX890 का देखने को मिलेगा, जो कि गैम्बल OIS के सपोर्ट के साथ आएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल कैमरा के मामले में स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको काफी अच्छे कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जिससे आप काफी बढ़िया और अच्छी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स आदि को कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो आदि को शूट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को कंपनी शायद मार्केट में 12 GB और 16 GB रैम के साथ लॉन्च करने वाली है, जिसके साथ आपको 256 GB और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन साइज आपको दो अलग अलग वेरियंट में देखने को मिलेंगे, जिनके साथ आपको दो ही स्टोरेज वेरियंट भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अगर आपको अभी बार कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है, और यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अगर आपको अब की बार स्नैपड्रैगन का एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक बढ़िया चिपसेट है। इस चिपसेट से आप जबरदस्त गेमिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको वीवो कंपनी 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5500 mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराने वाली है, जिसके साथ आपको 15 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको अब की बार बैटरी और फास्ट चार्जर भी बढ़िया देखने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया और अच्छा पावर बैकअप भी देने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल स्मार्टफोन में आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा और आप इस स्मार्टफोन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।